बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के बीच उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच की छाती वाले बयान पर टिप्पणी कसते दिख रहे हैं। वो महाराष्ट्र के लातूर में एक सभा को बोल रहे हैं कि देश चलाने के लिए 56 इंच की छाती नहीं बल्कि अच्छा दिल चाहिए होता है। रितेश ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज लोगों की जेब में मोबाइल कांग्रेस की वजह से है, यहाँ तक कि लोगों के पास कंप्यूटर होने का श्रेय भी उन्होंने कांग्रेस को ही दिया। इतना ही नहीं, आज़ादी भी लोगों को कांग्रेस की ही देन है। रितेश ने आगे कहा कि देश का भविष्य 56 इंच की छाती नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा, मैं हैरत में हूँ कि 56 इंच की छाती कैसी होती होगी, जो शायद गोदरेज के किसी डिब्बे नुमा जैसी होगी। रितेश के दिवंगत पिता विलास राव देशमुख महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीती 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। इस बीच वायरल हुई रितेश की वीडियो को कांग्रेस समर्थक खुलकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रितेश ने पीएम मोदी और बीजेपी के काम पर कई करारे तंज कसे हैं। रितेश के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि उन्हें पिछली बार फिल्म टोटल धमाल में देखा गया था। फिल्म में रितेश ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।